अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। यार सीन ये है कि सारे दिन की गर्मी के बाद पता नहीं जब घर आता है फिर मौसम अच्छा हो जाता है। वैसे ये अच्छी बात भी है, ऑफिस में तो एसी में रहते हैं, घर में जरा आके बंदा जरा फिर भी लेता है। यार सीन ये है कि वो चूज़ें हम जो लेके आए थे वो किसी ने उठा के अंदर रख दिया, तो हम उनको जो है वापस बाहर शिफ्ट करेंगे। ये चूज़े पड़े हुए हैं नीचे इस पिंजरे में, मेरे ख्याल से सुबह के टाइम धूप बहुत ज़्यादा थी तो पापा ने उनको वापस अंदर रख दिया था, क्योंकि यहाँ पे कूलर लगा होता है, बाहर कूलर की फैसिलिटी मौजूद नहीं है। वहाँ पे सिर्फ चूज़े पड़े हुए थे और डब्स हैं, उनका कोई मसला नहीं होता, तो इनको हम वापस बाहर शिफ्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इनके हालात मुझे ख़राब लग रहे हैं थोड़े से, क्योंकि ज़्यादा ख़राब लग रहे हैं हालात। आपकी भाभी का मैसेज आया यहाँ पे ना, यहाँ पे असल में सीन ये मेरा वाला पोर्शन है, यानी मेरा पोर्शन है, मेरे फ्रिजों का पोर्शन है। तो यहाँ पे जावा की कॉलोनी थी और नीचे जो है लोबर्ट की कॉलोनी थी, सिर्फ गर्मी की वजह से उनको अंदर शिफ्ट कर दिया हुआ है ताकि ज़रा गर्मी से सेफ रहे वो। तो अभी बस हम चूज़े छोड़ते हैं, मैं बैक कैमरा कर लूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आ सके। ये देखें ये वाला जो है ना, ये सुस्त हो रहा है, ये बस मुझे डर लगा रही है थोड़ा सा। पहले तो इनका पानी गंदा हुआ हुआ बहुत ज़्यादा, ये निकाल देते हैं, वो तेरी है, मेरा हाथ गंदा हो गया है। और इसको हम लेके आते हैं इधर। कुछ जाएगा क्या निकल? एक वो बाहर आ गए, वो बाहर आ गए। नेक्स्ट आज भी बारिश आने वाली है मुझे लग रहा है। बस यार मसला ये है कि मुझे ना ये एक चूज़ा बहुत सुस्त लग रहा है, ये वाला इसको एंड में निकालेंगे। असल में ना इनका भरोसा कोई नहीं होता, ये कुछ 4-5 दिन के या 10 दिन के मैक्सिमम चूज़े होते हैं, तो इनका बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। मरने वाला हुआ है, लेकिन उम्मीद पूरी है कि नहीं मरेगा, इसको हम ज़रा स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे, तो फिर कोशिश करेंगे कि इसको कुछ ना हो। बाकी तो चलो खुश हो गए अपने पिंजरे में आके, कल इधर ही छोड़े थे लेकिन लेमन दरवाज़ा बड़ा क्यों नहीं खोला। ये कीड़े यार, एक टाइम था ये कीड़े है ना, ये पूरे बस पूरे घर में ही होते थे, क्योंकि जितना बड़ा ये है अल्हम्दुलिल्लाह पूरे घर में इसके असरात नमूदार होते थे। अब हम इनको ज़रा दाना डाल दें, कल दाना ये रखा था, इधर मैंने इसलिए रखा था क्योंकि वो मुर्गियाँ दूसरी भी हैं ना, वो खुली भी होती हैं, तो वो अक्सर ऐसे भी होता है कि दाना इनका होता है खराब हो जाती हैं। भूख लग रही थी बेचारों को, वो बेचारा पीछे उधर ही खड़ा हुआ है। चलो भाई इधर रखो, ये खा लेंगे, ज़रा खुश हो गया पिंजरे में आके। बस वो एक सुस्त है जिसका मुझे डर लगा हुआ है कि वो मर ना जाए, मरने वाला हुआ वो तो है लेकिन उम्मीद पूरी है। ये जी डब्स हैं जो कि हमने यहाँ पर रखी हुई हैं। इनका सीन ये है कि ये बहुत अच्छी होती हैं, बस खूबसूरत होती हैं, छोटी छोटी सी, ये पास से देखे रहे हैं, बहुत खूबसूरत होती हैं। ये इनका बच्चे भी हैं, इनके साथ दो बच्चे हैं इनके, ये हर 2 महीने बाद ब्रीड देती हैं। यार पानी जो है ना ये हमने बाहर सेटअप किया हुआ ताकि हमें बार बार नीचे ना जाना पड़े, ये हम फेंक देंगे इधर, ये हमने सिस्टम लगाया हुआ पूरा, जो गंद है वो ऊपर रह जाता है, बाकी सारा जो है वो नीचे चला जाता है। बारिश आ गई, बारिश इज कमिंग सून, आ गई बारिश, आ गई, स्टार्ट हो गई है बारिश आना। यार ये जो रखा हुआ ना ये टैंकी आपको लग रही है घटी हुई, ये टैंकी ही थी लेकिन इसको हमने स्विमिंग पूल नहीं, इसमें हमने मिट्टी डाल के मुर्गियों के खेलने के लिए बनाया था, इसको मैं दरवाजा खुला ही छोड़ गया था।
मुर्गियों के खेलने के लिए बनाया था इसको हमने, जिसके बाद एक दफ़ा बारिश हुई और उसके अंदर पानी भर गया और सारी मिट्टी भी ज़ाया हो गई और सब कुछ ज़ाया हो गया उसका। फिर उसके बाद से उसमें कुछ भी नहीं किया हमने। जब फिर डक्स लेके आएंगे तो फिर उसको एज हम स्विमिंग पूल यूज़ करेंगे। तो यार तो क्यों उठ जा रहा है, मुझे दाना इनका वापस रख देते हैं अंदर। यार इनमें भी ना फिंचेस थी सारी, पेड़ लगे हुए सबके, लेकिन उनको हमने शिफ्ट कर दिया अंदर गर्मी की वजह से। मेरे लव बर्ड्स पता नहीं कौन से हैं, लेकिन इसी तरह आ गए। मेरे वाले तो ये हैं, मेरा ये ग्रीन कलर, ये जो ग्रीन कलर के बैठे हैं ना पीछे, उस तरह के हैं मेरे पास। और मेरी जावा जो है वो मेरी जावा ये। तो यार बारिश जो है हल्की हल्की स्टार्ट हो चुकी है, जिसकी वजह से, बल्कि इसकी वजह से नहीं, वैसे ही हम ब्लॉग ख़त्म कर रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ चूज़ा देखने आया था मैं ऊपर, इसके बाद मैं जा रहा हूँ थोड़ा सोने, क्योंकि अभी ऑफिस से थका हुआ आया हूँ। सो मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए इसको यार सब्सक्राइब कर दिया करो चैनल को, क्योंकि यार बहुत फ़ायदा होता है, बहुत नहीं बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। सब्सक्राइब कर दिया करो। अल्लाह हाफिज़।